देखिए, अभी कार्रवाई पूर्ण रूप से हो नहीं रहा है। आज इस मामले को लेकर के, इस घटना को लेकर के 10 दिन हो चुके हैं आज के दिन से लेकर के। यह घटना किसी प्रशासन के घर के साथ होता, प्रशासन चुप बैठती। अगर किसी और के साथ होता तो कोई चुप बैठता। आज तो 10 दिन उनको जल्द से जल्द कार्रवाई कर देनी चाहिए। अगर केवल हमको आश्वासन दिया जा रहा है कि कार्रवाई होगी, कार्रवाई हो सकता है हम लोग ब्रह्मभोज करके हट जाएँ तो कार्रवाई दब जाए। हम इससे सहमत नहीं हैं। और रह गई बात कि जो भी हमारे माँ बाप को, हमारे पूरे परिवार को नरसंहार कर दिया है, उसको फांसी की सज़ा मिले या नहीं तो इनकाउंटर हो, और उसके जितने जो हमारे भाई और बहन को गोली मारे हैं उनको तो पहले उनके मकान ध्वस्त हो जानी चाहिए। और जब तक इन लोगों का मकान श्री प्रेमचंद्र यादव जी का नहीं ढह जाता और उनका मकान नहीं ढह जाता, तब तक मैं ब्रह्मभोज अपना नहीं करूँगा। ब्रह्मभोज कब है आपका? 13 तारीख को है, इसी 13 तारीख को। दवाई के कुछ दवाई ना दे लड़के भाई।